स्वागत है आपका जीव केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर का जो है सीबीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है इस बार कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक में यानी कि जो सीबीसीएस पैटर्न है उसमें यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले, और यूनिट सेकंड में सबसे पहला जो है टॉपिक है आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग, और सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग अप्रोच के साथ साथ जो है उसके नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके बाद से एमओटी डायग्राम है। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग के साथ साथ हम लोग पहले एमओटी पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता, ठीक है, और एमओटी कैसे जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी देखिए कोई भी एस ऑर्बिटल होता है तो एस ऑर्बिटल का जो है पॉजिटिव फेज और प्लस जो है पॉजिटिव, यानी दो एस ऑर्बिटल, यानी एक अगर बात करें हम वन एस ऑर्बिटल की और एक वन एस ऑर्बिटल की, ठीक है ना, तो एक एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इसे बोलते हैं LCOA मेथड। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO मेथड, इसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या करता है, कंबाइंड करता है, और कंबाइंड करने के साथ साथ एक जो है क्या बनाता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या बना रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, यानी कि एक s जो है दूसरे s से क्या करता ओवरलैप करता, ओवरलैप के साथ क्या बनाता सिग्मा बॉन्ड बनाता, ठीक है ना, और इसी के साथ क्या बनाता, जब भी ओवरलैपिंग होती है ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव फेज की ओवरलैपिंग और पॉजिटिव निगेटिव फेज की ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके साथ साथ क्या बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव की ये क्या करते हैं ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे तो यहाँ पे बनेगा सिग्मा स्टार बनेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं बीएमओ, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलते एंटी बॉन्डिंग, इसको बोलते एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है ना हमें, तो क्या करते हैं, मान लीजिए एन का करना होता है तो 1s2 हुआ, 2s2 हुआ, 2p3 हो गया, ये हो गया ना। अगर हमें n2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना रहे तो क्या करेंगे, n2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या करेंगे, तो ऐसे इस फॉर्म में करेंगे σ2 σ*2, तो इसी को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे एमओटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एमओटी पढ़ने के लिए सबसे पहले तो सिग्मा फॉर्म में आपको जानकारी चाहिए ना, ये सिग्मा आ कैसे रहा है, ठीक है ना, तो कैसे आ रहा है, ये एक ऑर्बिटल एन का और दूसरे एक एन का एक ऑर्बिटल 1s दूसरे ऑर्बिटल के 1s से क्या करता है ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, और ठीक इसको हम 2s ले लें, देखिए इसको 2s और 2s ले लिया गया, इसको 2s ले लिया गया, तो फिर से क्या बनेगा सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। अब ये किससे बना, सिग्मा 2s से बना, अब ये किससे बना सिग्मा 2s स्टार से बना, है ना। नेक्स्ट हम पी की बात करेंगे कि पी ऑर्बिटल यानी सिग्मा बॉन्डिंग की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है, यानी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाई बॉन्डिंग का कैसे फॉर्मेशन होगा, तो देखिए यहाँ पे पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो होगी ना, एक बार पीएक्स की ओवरलैपिंग कराया जाए, अच्छा जो एस ऑर्बिटल होते हैं ना वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है ना, जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप होता है, डंबल शेप कहने का मतलब क्या है, ये देखिए डंबल शेप है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव और निगेटिव और पॉजिटिव और निगेटिव, ये हुआ हमारा, ये भी पीएक्स है और ये भी पीएक्स है, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव साइड क्या करेगा लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, जैसे ये साइड जो है ऊपर पॉजिटिव ओवरलैप करेगा निगेटिव नीचे ओवरलैप करेगा, तो दो ओवरलैपिंग हो रही है, और जब भी एक ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और दो ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव निगेटिव साइड ओवरलैप करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव साइड ओवरलैप करेगा, तो यहाँ क्या बन रहा है पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, ठीक है ना, और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो है सेम जो है
पॉजिटिव निगेटिव फेज भी क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जब भी एक बॉन्ड बनता है ना, अगर सिग्मा बॉन्डिंग बन रहा है, एक ओवरलैपिंग साइट है, तो सिग्मा बनता है, साथ में सिग्मा स्टार भी बनता है, तो सिग्मा स्टार और सिग्मा दोनों बनते हैं। जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो पाई बॉन्ड भी बनेगा और पाई स्टार भी बनेगा। जब भी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो डेल्टा भी बनेगा और डेल्टा स्टार भी बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए पीएक्स पीएक्स जब जुड़ेगा ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइड भी जुड़ेगा और पॉजिटिव निगेटिव साइड भी जुड़ेगा, है ना। तो यहां से क्या बनाएगा ये, अब पॉजिटिव निगेटिव वाला ओवरलैप नहीं करेगा। देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव वाला ओवरलैप नहीं करेगा, ये रिपेल करेगा। जो रिपेल करेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा और ये होगा हमारा पाई स्टार, ठीक है, पाई स्टार, है ना। देखिए ये किससे बना है, ये किससे बना है, टू पी एक्स से बना है। देखिए 1s, 1 सेल में तो p होता ही नहीं, तो 2 से स्टार्ट होता है, 2s2, 2p2, है ना। तो px किस में होते, 2 में होते, तो यानी ये पाई px का है और ये पाई जो है p स्टार px का है। इसी तरह जो है सेम स्ट्रक्चर जो होगा किसका होगा, py। अगर इसके जगह हम py लिख दें, इसके जगह हम py लिख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे py हो जाएगा, है ना। ये भी क्या हो गया py py और ये भी क्या हो गया py हो गया, यानी कि py और px जो है एक ही तरह ओवरलैप करते, ठीक है ना। आइए देखते हैं pz के बारे में, यानी कि p ऑर्बिटल जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, जिसमें px px जो है लेटरल ओवरलैपिंग करते और pz pz जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग करते। देखिए पीजेड है, ये भी क्या है आपका पीजेड है, ठीक है ना। ये इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड, निगेटिव निगेटिव साइड, ये करेंगे ओवरलैप, तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, निगेटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव, और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा ये पी ऑर्बिटल होकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, देखिए पी ऑर्बिटल जब भी वन ओवरलैपिंग होता है ना तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब भी टू ओवरलैपिंग साइट होते हैं, जैसे पी ऑर्बिटल में क्या पीएक्स वाला ऊपर से और नीचे से दोनों ओवरलैप कर रहा था, तो यहाँ पे क्या दो ओवरलैपिंग साइट है तो पाई ऑर्बिटल बना, पाई बॉन्डिंग बना, और यहाँ पे क्या एक ओवरलैपिंग साइट है केवल यही ओवरलैप कर रहा, तो एक ओवरलैपिंग से क्या बनेगा सिग्मा, और ये किससे बना है टू पी जेड से बना है, ठीक है ना। इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव प्लस निगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा, ओवरलैपिंग नहीं करेगा तो इस तरह कुछ क्या बनाएगा स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह बनाएगा। ये क्या है सिग्मा स्टार टू पी जेड होगा, ये क्या होगा सिग्मा स्टार टू पी जेड होगा। तो आइए आप देखते हैं कि आपने जान लिया कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा स्टार बॉन्ड, पाई स्टार बॉन्ड कैसे बनता, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते एमओटी। तो देखिए एच टू है, इसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। एच टू का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम हेल्प लेंगे किसका, एमओटी का। एमओटी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एमओडी क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना। क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, अच्छा H2 कैसे बनता, एक H का 1s1 और एक दूसरे H का 1s1 क्या करेगा ओवरलैप करेगा, यानी 1s1s से ओवरलैप कर रहा है। अच्छा 1s1s से ओवरलैप करता है तो कौन सी बॉन्डिंग बनती थी, सिग्मा बॉन्डिंग बनती थी, ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या बनता था, सिग्मा स्टार बनता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए 1s1, इधर लिख दीजिए 1s1, 1s1 का एक इलेक्ट्रॉन, 1s1 का दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इसके ऑर्बिटल जो मिक्स हुए थे क्या बना लिए, सिग्मा ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। अब देखिए ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, क्योंकि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, और ये जो बॉन्डिंग हुई है सिग्मा और सिग्मा स्टार, ये क्या है बीएमओ एंड एबीएमओ है, क्या है बीएमओ, बीएमओ मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है एबीएमओ है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
एपीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज वन इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फिल कर दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, ठीक है। अब देखिए सिग्मा स्टार इसका खाली रह गया, ठीक है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो किसका, एस टू का, हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन ये कर दीजिए टू, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, टू इलेक्ट्रॉन है, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, जीरो इलेक्ट्रॉन है। तो टू माइनस जीरो अपॉन टू हो गया, तो ये क्या हो गया, टू अपॉन टू हो गया, ये क्या हो गया, वन हो गया, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए इसके, वन हो गए, ठीक है ना। अच्छा एक काम करिए, एच टू में से, अच्छा एच टू का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हमारा सिग्मा वन से बना टू हो गया, ये हमारा एच टू का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हो गया, किससे, एमओडी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, ठीक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या करते, एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं यहां से रिमूव कराते, एक इलेक्ट्रॉन क्या करते रिमूव कराते, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे तो देखिए इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा एस टू का, पहले आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम एस टू प्लस का देखने जा रहे हैं, एस टू प्लस का देखेंगे तो क्या होगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करा देंगे तो ये रिमूव हो गया, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया। अब ये एमओडी बन रहा है, जो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा, देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन माइनस, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, जीरो अपॉन टू, तो क्या हो गया वन अपॉन टू, ये कितना हो गया पॉइंट फाइव हो गया, है ना। और इसी तरह एस टू माइनस का कर दिया जाए, एस टू माइनस यानी यार दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को और ले आइए तो एस टू माइनस, इसका एस टू माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टू माइनस वन, टू माइनस वन, बॉन्डिंग में दो है एंटी बॉन्डिंग में एक है, अपॉन टू हो जाएगा तो वन अपॉन टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट फाइव हो जाएगा। यानी कि एस टू प्लस का बॉन्ड ऑर्डर और एस टू माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, और एस टू का बॉन्ड ऑर्डर वन होता है, ठीक है ना। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा, यानी H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वन है और H2 माइनस और H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या इक्वल है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, इक्वल हो गया, नहीं बॉन्ड लेंथ इसका सबसे ज्यादा हो गया, इसका बॉन्ड लेंथ H2 का वन है ना बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ इसका कम हो गया, उससे कम जो है उससे कम इनका H2 प्लस का H2 माइनस का हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट SC2 का देखते MOD, HC2 नेक्स्ट है, HC2 का MOD डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, देखिए एच ई का क्या होता, वन एस टू, दूसरे एच ई का क्या होता वन एस टू, ठीक है। तो देखिए यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है वन एस टू में, यहां पे क्या दो इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे दो इलेक्ट्रॉन इधर सिग्मा में, दो इलेक्ट्रॉन इधर सिग्मा स्टार में, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालिए अब कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा टू माइनस टू, टू माइनस टू अपॉन टू इक्वल टू जीरो आ गया, है ना। यानी एच ई टू क्या करता, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एच ई टू का फॉर्मेशन होता भी नहीं, एच ई जो है सिंगल फॉर्म में ऐसे ही रहता, एच ई के कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि नॉबल गैस है, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल आई टू, एल आई टू, देखिए एल आई टू का जो एमओडी डायग्राम बनेगा, वन एस टू टू एस वन, दूसरे एल आई का क्या है वन एस टू टू एस वन, तो देखिए यहां पे वन एस टू वन एस टू, वन एस टू और वन एस टू, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा वन एस टू, वन एस टू अलैप करेगा सिग्मा बॉन्डिंग बनाएगा,
और सिग्मा स्टार बनाएगा। तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, 2s1 में देखिए, 2s1 और 2s1, ठीक है। यहां पे क्या बनाएगा, अच्छा जैसे 1s ओवरलैप करता वैसे 2s भी ओवरलैप करेगा, तो 1s क्या बना रहा, सिग्मा बना रहा, सिग्मा स्टार बना रहा है, तो 2s भी सिग्मा बनाएगा, सिग्मा स्टार बनाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ सिग्मा बन रहा है और सिग्मा स्टार बन रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फिल कर लीजिए, 1 1 टू इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन इधर फिल कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, अच्छा Li2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, σ2 सिग्मा स्टार 2 फिर σ2। ये σ2 किससे आया, 2s से आया, ये सिग्मा किससे आया, 1s से आया। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, सिग्मा में दो इलेक्ट्रॉन, इधर सिग्मा में दो इलेक्ट्रॉन, तो दो दो चार इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो 4 -2 इलेक्ट्रॉन अपॉन कितना, 2, 4 -2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, 1 हो गया। यानी कि Li2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते, Be two. Be two. देखिए एक B का कितना है, 1s2, 2s2, 2p1। दूसरे B का कितना हो गया, सेम कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p1। देखिए 1s 1s से ओवरलैप करेगा, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग बनाएगा और सिग्मा स्टार बनाएगा, सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा और सिग्मा स्टार। 2s में देखिए कितने हैं, सिग्मा और सिग्मा स्टार, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 2s2 हो गया, ये हो गया 2s2 हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे 2p1 वाला, 2p1 वाला क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। जब 2p1 है, 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 2p वाला जब ओवरलैप करता है तो ये बनाता है, क्या बनाता है, जेड पहले बनाएगा, जेड जेड ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्डिंग बनाएगा, और पीपी ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा, पाई बॉन्डिंग बनाएगा। तो इस तरह से कुछ लिखेंगे कि ये हमारा 2p1 है और ये हमारा 2p1 है। तो देखिए तीन ऑर्बिटल से ओवरलैप किए थे, तो एक सिग्मा बना रहा था, सिग्मा कौन बना रहा था, 2pz बना रहा था, ठीक है ना। और पाई कौन बना रहा था, पाई जो है px और py बना रहे थे, है ना। तो जो pz है वो सिग्मा बनाएगा, ये क्या है, सिग्मा 2pz द्वारा बनाया गया है, और ये क्या है, पाई बॉन्ड बना है किसके द्वारा, px और py के द्वारा। ये क्या हो गया, पाई 2px हो गया, ये क्या हो गया, पाई 2py हो गया, ठीक है ना। सेम इसका हो जाएगा ऊपर एंटी बॉन्डिंग, सेम इसका हो जाएगा ऊपर एंटी बॉन्डिंग। देखिए ये पाई स्टार हो गया, ये पाई स्टार हो गया, ये सिग्मा स्टार हो गया, है ना। अब देखिए 1 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये हो जाएगा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। देखिए ये बी, ये बी टू का नहीं है, बी टू हमने बोला था, सॉरी बी का है, ये बी है, ठीक है, बी टू का है, ठीक है ना। तो B2 में देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक्चुअल में जो MOD होता है ना, ये सही है, ठीक है ना। लेकिन B2 में क्या होता है, B2 में और C2 बनाएंगे नेक्स्ट और N2 बनाएंगे, यानी कि ये 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन तक ये क्या होगा, जो 2pz होगा, यहाँ पे देखिए सिग्मा स्टार है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा है, ठीक है ना, सिग्मा यहाँ भी है और सिग्मा यहाँ भी है, यानी कि ये नॉर्मल जो MOD था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था, ये सिग्मा सिग्मा में रिपल्सन हो जाता, और सिग्मा रिपल्सन लोअर एनर्जी गैप के कारण, ठीक है, लोअर एनर्जी गैप के कारण ये रिपल्सन हो जाता, और ये जो सिग्मा है ऊपर चला जाएगा। जब सिग्मा ऊपर चला जाएगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ना रह के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई नीचे चला जाएगा और सिग्मा ऊपर चला आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई 2px पाई 2py, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा 2s
सॉरी सिग्मा टू पी जेड। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, ठीक है ना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आप, दो दो चार और दो छह, तो छह माइनस एंटी बॉन्डिंग में दो दो चार, ठीक है, अपॉन टू हो जाएगा, तो टू अपॉन टू इक्वल टू वन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, वन आएगा, पहले भी वन आता लेकिन यहाँ पे क्या सिग्मा टू पी जेड में आपने इलेक्ट्रॉन भर रखा था, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा, किसमें भरेगा, ये पाई टू पी एक्स में और पाई टू पी वाई में इलेक्ट्रॉन को फिल किए जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम C2 की बात करें, यहीं पे देखिए, अगर हम C2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2p2 और 2p2, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो चार इलेक्ट्रॉन हो गए, चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, टू 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 और यहाँ पे टू फोर और फोर और फोर कितना, एट, एट माइनस फोर अपॉन टू, फोर अपॉन टू इक्वल टू क्या, टू आ जाएगा, यानी सी टू में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। इसे ठीक जो है एन थ्री में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्डर में क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो दो दो चार और छह दस, दस में से चार गया छह, तो छह अपॉन छह माइनस चार हो जाएगा अपॉन टू हो जाएगा, नहीं सॉरी, दस में से चार गया छह अपॉन टू इक्वल टू थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। यही सेम स्ट्रक्चर किसका है, बी टू का भी, सी टू का भी, एन टू का भी है ना, बस क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओ टू का, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओ टू का, तो ये ओ टू में क्या होगा, ओ टू में क्या होगा, फिर से जो है ये चौदह से अधिक हो गया, देखिए इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो गया, सोलह हो गया, अब क्या हो गया, फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आएगा ये, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिग्मा जो है फिर से नीचे आया और सिग्मा पाई जो है ऊपर चला गया। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन भरने, चार इलेक्ट्रॉन इधर है, चार पी फोर हो गया, ये पी फोर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन करेंगे तो वन एस टू टू एस टू टू पी क्या होगा, फोर होगा, तो यहाँ पे वन एस टू टू एस टू टू पी फोर होगा, आठ इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे का भी यही सेम होगा। तो देखिए चार चार भरने हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दो, ठीक है ना, तो दो बॉन्डिंग में छह एंटी, छह बॉन्डिंग में, तो दस माइनस टू एंटी बॉन्डिंग में, टू एंटी बॉन्डिंग में, टू एंटी बॉन्डिंग, दस माइनस छह अपॉन टू हो गया, क्या हो गया, फोर अपॉन टू, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, टू आ गया, ठीक है ना। अगर हम पूछे कि यहाँ पे देखिए ओ टू का फॉर्मेशन किया गया, तो ओ टू O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता कि O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो O2 माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, O2 माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड किया गया है, तो क्या हो जाएगा, दस माइनस सात अपॉन टू हो जाएगा, ये थ्री अपॉन टू हो जाएगा, वन पॉइंट फाइव हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया बॉन्ड ऑर्डर O2 टू माइनस का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, अब दस माइनस आठ हो जाएगा अपॉन टू हो जाएगा, टू अपॉन टू बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन हो गया। अगर आपसे पूछा गया O2 पे पॉजिटिव का करिए, यानी जो O2 का था यहाँ वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ वन इलेक्ट्रॉन था, अब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो दस में से कितना घटा देंगे हम, पांच घटा देंगे, ठीक है, तो टू, तो यहाँ पे फाइव पॉइंट टू हो जाएगा, तो टू पॉइंट फाइव हो जाएगा, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर भी हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसमें, O2 प्लस में, उसके बाद किसके, O2 में, उसके बाद किसमें, O2 माइनस में, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर कितना, O2 टू माइनस का, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे HF का बॉन्ड ऑर्डर, HF का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और CO का और NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, थैंक यू।